गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर यूज ऑफ यूज्ड टू और यूज्ड टू। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूज्ड टू का यूज और यूज्ड टू का उपयोग, दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे इनका यूज करते हैं। तो यूज्ड टू का अर्थ होता है किया करता है और यूज्ड टू का अर्थ होता है किया करता था। दोनों का ही प्रयोग आदत बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए करते हैं। देखिए लिखा है दोनों यूज्ड टू और यूज्ड टू का प्रयोग हैबिट यानी कि आदत बताने के लिए करते हैं। यदि आदत प्रेजेंट में है तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और यदि आदत पास्ट में है तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। कैसे यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा हुआ है यदि आदत वर्तमान में है, यदि लिखा हुआ है यानी कि है, यदि लिखा हुआ है या हूं या है लिखा हुआ है तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, और यदि था या थी किया करता था थी थे है तो यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करता हूँ। आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रन। पे मैं अब चूंकि यहाँ पे लिखा है करता हूँ यानी कि प्रेजेंट को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा यूज टू। मैं रोज स्कूल जाया करता था। आज चूंकि यहाँ पे लिखा किया करता था तो हम यूज करेंगे यूज टू का। आई यूज टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे खेला करते थे। करते थे यानी कि पास्ट में, यदि किसी हैबिट को पास्ट में किसी आदत को बताना है तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन रखेंगे, वो यूज्ड टू रखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले अंडर द वेरिएंट ट्री। इस प्रकार से किसी आदत को बताने के लिए हम यूज्ड टू और यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। और कभी कभार जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि माय ग्रैंडफादर वॉज इन द हैबिट ऑफ माय ग्रैंडफादर वॉज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग पेटल लीफ। यानी कि मेरे दादाजी मेरे दादाजी को पान खाने की आदत थी। कभी कभार ऐसे सेंटेंस आता है कि रीराइट यूजिंग यूज टू और यूज्ड टू। यदि ये क्वेश्चन आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें यूज टू और यूज टू का प्रयोग करके इस वाक्य को फिर से लिखिए। तो देखिए सेंटेंस क्या था, माय ग्रैंडफादर वाज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग बेटर लीफ। मेरे दादाजी पान खाया करते थे। तो जब कभी भी सेंटेंस हो तो यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉज और वर्ब लिखा है तो हम यूज टू कर लिख देते हैं, और यदि इज और आर और एम लिखा होगा तो हम यहाँ पे यूज टू करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है वाज इन द हैबिट ऑफ, तो यूज टू और यूज टू का दोनों का ही प्रयोग आदत बताने के लिए करते हैं। तो सेंटेंस में से इन द हैबिट ऑफ को रिमूव कर देते हैं, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसका क्या हो जाएगा कि माई ग्रैंड फादर यूज टू च्यू द बीटर बेटर लीफ। माई ग्रैंड फादर यूज टू च्यू बेटर लीफ। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू च्यू बेटर लीफ। मेरे दादाजी पान खाया करते थे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए होता कि माय ग्रैंडफादर इज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग बेटर लीफ, तो हो जाता माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू
you better leave. तो इस प्रकार से हम used to का प्रयोग डू एस डायरेक्ट के रूप में भी करते हैं और ट्रांसलेशन के रूप में भी करते हैं। ये मुख्यतः सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, सभी में ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करिए। Thank you, have a great day.